नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ जहरा शान। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम फोन लाइन कुंडली में। ज्योतिष पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम ऐसे सभी दर्शकों के लिए है जिनके जीवन में किसी न किसी बाधा की वजह से प्रगति का रास्ता रुक गया है। हर बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी असफलता का ही मुंह देखना पड़ता है और कहीं ना कहीं इन सबके पीछे ग्रहों की अहम भूमिका होती है। और आपकी इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य धनंजय जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। और गुरु जी, आज हम बात करेंगे कि आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार हो सकता है, जन्म कुंडली का इस पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है जी। और साथ ही हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है जी। बिल्कुल, कई बार जातक हम लोगों से ये प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, मेरी धन की स्थिति बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति को लेकर के समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। आज हमारी चर्चा का यही विषय है। जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान को धन का कारक स्थान माना जाता है। यदि धनेश पीड़ित हो, विशेष करके यदि जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति किसी पाप ग्रह के साथ प्रभावित है तो आर्थिक स्थिति जातक की सदैव कष्टकारी बनी रहती है। शुक्र ग्रह के लिए रत्न हीरा को बताया जाता है और शुक्र ग्रह शुभ रूप से फल दे, इसके लिए महालक्ष्मी की आराधना का विधान है। शुक्र और शनि ये दो ग्रह ऐसे होते हैं कि जातक की जन्म कुंडली में कर्म और धन को, दोनों को दर्शाते हैं। शनि को कर्म प्रधान ग्रह माना जाता है। शनि यदि शुभ स्थिति में विराजमान हो तो जातक की जो कर्म की स्थिति होती है वो धनवान बनाती है। धनेश और दशमेश की यति युति बन रही हो तो राजयोग होता है। इस प्रकार से यदि महालक्ष्मी की आराधना की जाए तो धन की स्थिति प्रबल रहती है जी। और आज के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुशाग्र हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। बताइए क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी नमस्कार। जी नमस्ते। 20/8/2006 मेरे बेटे की जन्म तिथि है। जन्म की तिथि जी, जन्म की तिथि 26 मिनट है सुबह। जन्म की तिथि दोबारा से बता दीजिए। 20/8/2006 जी। जन्म का समय 7:26 मेरठ सुबह। क्या जानना चाहते हैं आप? इसकी पढ़ाई कैसी रहेगी और इसे क्या नक्श बनाए? बिल्कुल, ये सिंह लग्न के जातक हैं और एक बात जो बहुत अनिवार्य है आपको बताना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लग्न कुंडली के अनुसार पूर्ण रूपेण मांगलिक है। सूर्य और मंगल की युति इनकी जन्म कुंडली में लग्न स्थान पर बन रही है। यदि लग्नेश और भाग्येश की युति लग्न स्थान पर बन रही हो तो ये एक प्रकार का राजयोग माना जाता है। दूसरी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये मिथुन राशि के जातक हैं। चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में लाभ स्थान पर विराजमान है और हर प्रकार से इनकी कुंडली इनको शुभ फल देने वाली है। एक प्रश्न आपने किया है कि इनको रत्नों के संदर्भ में कौन सा रत्न पहनाया जाए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इनको एक पुखराज और एक माणिक्य पहनाइए। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि राहु इनकी कुंडली में अष्टम भाव में मीन राशि में विराजमान है। राहु की पूर्ण दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। आज की हमारी चर्चा का विषय भी यही है। राहु की यदि दृष्टि पड़े धन के भाव पर तो जातक की आर्थिक स्थिति प्रारंभ में, विशेष करके जब राहु की दशा अंतर दशा चल रही होती है, कष्टकारी होती है। जातक को उस समय अवधि के दौरान संघर्षों का सामना करना पड़ता है। रत्न तो मैंने आपको बताया ही है, इसके साथ ही साथ जीवन में इनको मंगल शनि या राहु का किसी प्रकार का कोई भी अशुभ परिणाम ना मिले, इसके लिए हनुमान जी की आराधना सदैव करनी चाहिए। वैसे भी इनकी जन्म कुंडली के अनुसार मंगल धर्म भाव के स्वामी होकर के लग्न स्थान पर अति शुभ युति का निर्माण कर रहे हैं। बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति में मंगल की दशा अंतर दशा चल रही है। 15 सितंबर 2018 के बाद से इनकी जन्म कुंडली इनको और भी शुभ फल देने लग जाएगी जी।
और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रुद्रनाथ हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। बताइए क्या प्रश्न है आपका। आपकी आवाज हम तक बहुत कम पहुंच रही है, आप थोड़ा तेज बोलिए। जी जन्म की तिथि जरा दोबारा बता दीजिए। 2 फरवरी 1983। जी जी जन्म का समय क्या है? 5:35। जन्म का स्थान क्या है? आजमगढ़ यूपी। क्या जानना चाहते हैं आप? पसंद की लड़की शादी करता हूं। आपका प्रश्न स्पष्ट रूप से हमें नहीं मिल पा रहा है, दोबारा बोलिए। जी ठीक है, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। आप धनु लग्न के जातक हैं और लग्न स्थान पर आपकी जन्म कुंडली में राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहु आपकी जन्म कुंडली में आपके विवाह के भाव में अर्थात सप्तम स्थान पर अपनी उच्च की राशि में अपने स्वयं के नक्षत्र में आद्रा नक्षत्र में पूर्ण बलि होकर के विराजमान है। आप कन्या राशि के जातक हैं और हस्त नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। शनि की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर, जो कि आपका प्रश्न है, प्रेम का भाव होता है। जितने भी प्रेम विवाह के प्रश्नोत्तर होते हैं उनके संदर्भ में पंचम भाव का बलवान होना अति अनिवार्य होता है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार पंचमेश शुक्र के साथ तृतीय स्थान पर कुंभ राशि में सतभिसा नक्षत्र में, जो कि राहु का प्रभाव वाला नक्षत्र माना जाता है, राहु इस नक्षत्र के अधिपति माने जाते हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि बृहस्पति में शनि की दशा अंतर दशा चल रही है और राहु आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में उच्च की राशि में विराजमान है। इसका अर्थ ये हुआ कि विवाह का जो आपका फैसला होगा वो विवादित होगा। इस प्रयास को करने में कई प्रकार की बाधाएं आएंगी। शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और शनि भी आपकी कुंडली में अपनी उच्च की राशि में तुला राशि में स्वाति नक्षत्र, जो कि राहु का नक्षत्र होता है, उसमें लाभ स्थान पर विराजमान है। लेकिन इसमें सफलता अवश्य आपको मिलेगी। बृहस्पति में शनि की दशा अंतर दशा चल रही है, थोड़ा सा विलंब हो सकता है। 11 मार्च 2019 के बाद ये फैसला लेना ज़्यादा उचित रहेगा। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, चूँकि राहु उच्च की राशि में बैठ करके लग्न स्थान को देख रहे हैं तो आपको कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि पंचमेश मंगल शुक्र के साथ कुंभ राशि में तृतीय स्थान पर विराजमान है। दूसरी एक बात, शनि उच्च की राशि में बैठ के पंचम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। रत्नों के संदर्भ में आपको एक पुखराज पहनना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। जी और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, श्रेया हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। बताइए क्या प्रश्न है आपका। मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी उनकी जन्म की तिथि बता दीजिए। 8 अक्टूबर जी 2001 जी आगरा जी। टाइम है 2:18 दोपहर में। क्या जानना चाहती हैं आप? उसने अभी 10th की एग्जाम दी है, मैं जानना चाहती हूँ कि 11th में उसे साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स, और आगे उसका करियर कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर आपको देता हूं। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मकर लग्न की जातक हैं और बुध इनकी जन्म कुंडली में भाग्येश होकर के दशम स्थान पर विराजमान है। इनके लिए व्यावसायिक शिक्षा बहुत ही शुभ परिणाम देने वाली है। व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ ये हुआ कि यदि ये कॉमर्स के माध्यम से अपने आगे की शिक्षा को ग्रहण करेंगी तो इनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। बुध व्यापार के प्राकृतिक रूप से कारक ग्रह बताए जाते हैं और बुध का दशम भाव में स्थित होना हर प्रकार से इनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कुछ रत्न मैं इनको उपाय के लिए बताना चाहता हूँ। इनको एक पन्ना और एक नीली धारण करना चाहिए।
दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि लग्न कुंडली के अनुसार ये पूर्ण रूपेण मांगलिक हैं। मंगल इनकी जन्म कुंडली में द्वादश स्थान पर धनु राशि में विराजमान है। वर्तमान समय में थोड़ा सा इनको संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, राहु की महादशा चल रही है। इनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय 25 दिसंबर 2023 के बाद आएगा। अभी वर्तमान समय में थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, इनकी जन्म कुंडली इनको आगे जा कर के बहुत ही शुभ परिणाम देने वाली है। उपासना के संदर्भ में इनको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, इससे इनको लाभ मिलेगा जी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमित हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं, बताइए क्या प्रश्न है आपका। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका नाम मीनल गुप्ता जी, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15/16/2001 रात को 1:10 जी। जन्मस्थान क्या है? मेरठ। क्या जानना चाहते हैं आप? इसने हाई स्कूल के पेपर दिए हैं, इसका रिजल्ट कैसे रहेगा, इसे सर्विस कैसी रहेगी, और ये जी ठीक है, मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। ये सिंह लग्न की जातक हैं और वृश्चिक राशि है इनकी। अनुराधा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके लिए तकनीकी कार्य क्षेत्र, तकनीकी शिक्षा बहुत ही शुभ रहेगी। शनि इनकी जन्म कुंडली में अपने परम मित्र के घर में वृष राशि में दशम भाव में विराजमान है। दूसरी एक बात जो कि कष्टकारी है आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी जन्म कुंडली में लग्नेश नीच की राशि में तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में तृतीय स्थान पर विराजमान है। लग्नेश का नीच की राशि में स्थित होना स्वास्थ्य के लिए कष्टकारी है। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इनके स्वास्थ्य का विशेष रूप में ध्यान रखना अनिवार्य है। रत्नों के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में इनको कोई भी रत्न नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली के अनुसार वर्तमान समय में ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है कि इनको कोई रत्न पहनाया जा सके। उपासना के लिए एक ही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इनसे कहिए कि प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह लालिमा से युक्त सूर्योदय के समय सूर्य देवता का ध्यान करें, सूर्य नमस्कार करें और आदित्य हृदय स्त्रोत का नियमित रूप से पाठ करें, सूर्य को अर्घ दें। इससे इनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 21 अगस्त के बाद से बहुत ही शुभ समय आने वाला है और निश्चित रूप से जो परीक्षाएं हैं और जो शिक्षा का क्षेत्र है इसमें इनकी कुंडली इनको लाभ देने वाली है जी। अशोक हमारे साथ बैंगलोर से जुड़े हुए हैं, बताइए अशोक क्या प्रश्न है आपका। जी, मेरा जन्म 27 अगस्त 1967 को हुआ है जी। अभी मैं नौकरी कर रहा था। अपने जन्म का समय बता दीजिए। 2:25 दोपहर या रात्रि में? पीएम जी। जन्म का स्थान बता दीजिए। बिहार। क्या जानना चाह रहे थे आप? नौकरी में कुछ दिनों से नहीं है, कब तक मिल पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। सबसे पहले एक जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं, वृष राशि है आपकी और कृतिका नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। जन्म कुंडली के अनुसार आप पूर्ण रूपेण मांगलिक हैं। मंगल आपकी जन्म कुंडली में द्वादश स्थान पर तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में विद्यमान है। कार्य क्षेत्र का जो आपने प्रश्न किया है, वर्तमान समय में जो दशांतर दशा चल रही है इसके प्रभाव के कारण आपको कष्टों का विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बिल्कुल भी चिंतित नहीं होइए। थोड़ा सा विलंब जरूर है, 20 जुलाई के बाद से निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हनुमान जी की नित्य प्रतिदिन आराधना करिए, विशेष रूप से बजरंग बाण का पाठ करिए। कुछ रत्न मैं आपको बताना चाहता हूँ। बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में बहुत ही शुभ स्थिति में, अपनी उच्च की राशि में कर्क राशि में नवम भाव में भाग्य स्थान पर विराजमान है।
एक पुखराज धारण करिए। दूसरा एक और रत्न मैं आपको बताना चाहता हूँ, सूर्य बुध और शुक्र की युति बहुत ही शुभ रूप में दशम स्थान पर सिंह राशि में बन रही है, जो कि हर प्रकार से आपके लिए लाभकारी है। एक माणिक धारण करिए और हनुमान जी की आराधना करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा जी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कृष्णा हमारे साथ आगरा से जुड़ी हुई हैं। बताइए क्या प्रश्न है आपका। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्ते गुरु जी, मुझे अपने भतीजे के बारे में जानना था। उसका जन्म 31 जुलाई 2017 10:26 में रात को आगरा में हुआ है जी। क्या जानना चाहती हैं? हमें उसका नाम रखना है, किस अक्षर से नाम रखें और कौन है, ग्रह कौन है, उसका कैसा रहेगा जी। मैं इनका विवरण आपको बता देता हूँ, लेकिन नाम के लिए मैं आपसे चाहूंगा कि कुछ नाम आप स्वयं से चयनित करिए और इस कार्यक्रम के अंत में आपको जो ईमेल आईडी दिखाई जाएगी उस पर आप भेज दीजिए, इससे हम लोग निर्णय लेकर के आपको उत्तर दे देंगे। ये मीन लग्न के जातक हैं, तुला राशि है इनकी, विशाखा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और इनकी जन्म कुंडली हर प्रकार से शुभ स्थिति में है। वर्तमान समय में बृहस्पति की महादशा चल रही है, बृहस्पति इनकी जन्म कुंडली में लग्नेश और दशमेश होकर के लग्न स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। बृहस्पति हस्त नक्षत्र में कन्या राशि में सप्तम भाव में विराजमान है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सूर्य और मंगल की युति इनकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में बन रही है। बस थोड़ा सा वर्तमान समय में इनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जहाँ तक रत्नों का संदर्भ है, इस कुंडली के अनुसार इनको एक पुखराज और एक मोती धारण करना चाहिए। वर्तमान समय में इसकी अनिवार्यता नहीं है। 6 जून 2020 के बाद आप रत्न धारण करा सकती हैं। इसके बाद से चूंकि जब सूर्य की स्थिति होगी तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। इस कुंडली में सूर्य छठे स्थान का कारक ग्रह होकर के पंचम भाव में विराजमान है। सूर्य पुष्य नक्षत्र में स्थित हैं और कर्क राशि में इनकी स्थिति बन रही है। कर्क राशि के स्वामी अर्थात पंचमेश चंद्रमा अष्टम भाव में तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में विद्यमान है। इनकी जन्म कुंडली में शनि भाग्य स्थान में ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगल की राशि में वृश्चिक राशि में स्थित है। इनके परिवार के सभी लोगों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। शनि की स्थिति यदि भाग्य स्थान पर होती है, धर्म के भाव में होती है, तो शनि की उपासना करने से जातक को सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है जी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आयुष हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। बताइए क्या प्रश्न है आपका। जन्म की तिथि बता दीजिए। 86। जन्म की तिथि दोबारा से बता दीजिए। हेलो जी। 4/4/86 जी। जन्म का समय क्या है? तो लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेतन है चंडीगढ़ से। बताइए चेतन क्या प्रश्न है आपका। नमस्कार कार्य जी। जी नमस्ते। मैं कार्य जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1994 जी। जन्म का समय है सुबह 5:05 जी। जन्म स्थान है कालका, डिस्ट्रिक्ट पंचकूला। क्या जानना चाहते हैं आप? गुरु जी मैंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया है, क्या मुझे मिल जाएगी? बहुत ही संघर्षों का कष्टों का सामना आपको करना पड़ेगा। कुंभ लग्न के आप जातक हैं, धनु राशि है आपकी, मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। वर्तमान समय में शनि की 7.5 भी आपको प्रभावित कर रही है और राहु आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव में ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में विराजमान है।
सूर्य में बुध की दशांतर दशा चल रही है। 26 जनवरी 2019 तक इस दशांतर दशा का आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का इसमें कष्ट और विघ्न बाधाएं दिख रही हैं, बहुत लंबी प्रतीक्षा आपको करनी पड़ सकती है। एक प्रबल योग 26 जनवरी 2019 के बाद बन रहा है और दूसरा योग 2 जून 2020 के बाद बन रहा है। वर्तमान समय में कोई भी तात्कालिक योग मुझे नहीं दिख रहा है। चूंकि शनि प्रधान आपकी जन्म कुंडली है, एक बहुत ही शुभ स्थिति इसमें बन रही है कि शुक्र अपनी उच्च की राशि में धन भाव में विराजमान हैं और लग्नेश पंचमेश का योग लग्न स्थान पर बन रहा है, जो कि हर प्रकार से आपके लिए शुभ रहेगा। आपको एक नीली और एक पन्ना धारण करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा जी। और गुरु जी, अब हमारे दर्शकों को बताइए कि आज के शुभ उपाय क्या हैं? जी, गाय की सेवा करें और गौशाला में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। शुक्ल पक्ष के बुधवार को रणहर्ता गणेश स्त्रोत का पाठ करें, इससे जो जातक कर्ज में है उनका कर्ज दूर हो जाएगा। प्रतिदिन गाय को रोटी और चिड़िया को दाना खिलाएं, इससे घर परिवार में खुशहाली आएगी। पूर्णिमा के दिन सुबह के समय हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल करके उससे घर के मुख्य द्वार पर ओम बनाएं, इससे घर में शुभ ऊर्जा विद्यमान रहेगी। शुक्ल पक्ष के गुरुवार को एक सूती धागे को हल्दी से रंग करके पीपल के पेड़ के चारों ओर बांध दें, इससे घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। तो आज ऐसे बहुत सारे कॉलर्स होंगे जिनकी कॉल हम अपने शो पे समय के अभाव की वजह से नहीं ले पाए होंगे, तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। वो अपना प्रश्न हमें मेल कर सकते हैं phonelinekundli@gmail.com पर, और इसके अलावा वो आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं 9565001891। और गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को, हमारे कॉलर्स को उनकी समस्याओं के समाधान बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।